नवरात्रि के पहले दिन हरियाणा के अंबाला में एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि इस एयरपोर्ट बनने से हरियाणा के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। अम्बे उधर नवरात्र और साथ ही ये जो अवसर है घरेलू हवाई अड्डे का शिलान्यास, तीनों का ऐसा संगम। इस अवसर पर मैं नवरात्रों समेत आपके इस अवसर के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे एयरपोर्ट जितने बन रहे हैं उसमें हिसार एयरपोर्ट का, जैसा चर्चा की गई कि महाराज अग्रसेन जी के नाम से हिसार एयरपोर्ट है, और संयोग ऐसा है कि आज ही महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी है। इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। और एक सूचना आपको देनी है कि जहां तक हरियाणा में ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन सांस्कृतिक ऐसे स्थल हैं जो प्राचीन काल की संस्कृति को हमको बताते हैं, कई स्थानों पर एक्सकेवेशन शुरू हुआ है, खुदाई शुरू हुई है, अवशेष मिलने शुरू हुए। जैसा मोटे रूप से हम जानते हैं कि राखीगढ़ी का एक ऐसा स्थान है जहाँ सरस्वती सभ्यता की, आर्यन सभ्यता की ऐसी चीजों का आज खुदाई के बाद अवशेष निकले हैं। आज ही बल्कि कल कहना चाहिए, हमको एक और स्थान के लिए जो खुदाई के लिए परमिशन मिली है, अनुमति मिली है, वहां भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष ऐसा बताए जाते हैं, वो है अग्रोहा स्थान। अग्रोहा में भी हम उत्खनन करके अपने हरियाणा को प्राचीन जो उज्जवल सभ्यता थी उसके साथ जोड़कर एक उज्जवल भविष्य की कामना हम कर सकते हैं। एक नया एक अवसर है जिसकी आज ही जानकारी हमने सबको दी है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 20 से 21 करोड़ की लागत से पैसेंजर टर्मिनल बनाया जाएगा जो अगले 6 महीने में बनकर तैयार होगा। प्रदेश के अंदर लोग एयरपोर्ट चंडीगढ़ को अकेले को जोड़ते थे, आज चंडीगढ़ के बाद हिसार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट और फिर आपका अंबाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट की जो भूमि पूजन हुआ है, मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि तीसरा एयरपोर्ट जो फ्लाइंग में अब आने वाले भविष्य में इस्तेमाल होगा वो अंबाला की इस छावनी एयरफोर्स बेस की इस पावन धरा के अंदर हुआ। और 133 करोड़ की लागत से जो जमीन आर्म्ड फोर्सेस से हमने ली है, इसमें लगभग 20-21 करोड़ की लागत से अब इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक टर्मिनल का अगले 3 महीने में, जहां आप देख रहे हैं ये हमारे पड़ोस में एक पुरानी बिल्डिंग है, इसको पूरी तौर पर रीडेवलप कर यहां पर पैसेंजर टर्मिनल जो कि एक टाइम पे कम से कम 200 के लगभग पैसेंजर्स को केटर कर पाएगा, हम आने वाले भविष्य में 6 महीने के अंदर अंदर डेवलप कर देंगे। अंबाला में एयरपोर्ट बनने पर अनिल विज ने भी अपनी खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मुझे आपका करना है, क्योंकि आपका प्रेम मुझे शक्ति देता है, ताकत देता है। आपका प्यार मुझे ताकत देता है। हवाई अड्डा जो बनता है वो केवल शहर के लिए नहीं, सारे रीजन के लिए एक गौरव का विषय होता है, सारे रीजन के लिए, क्योंकि इससे तरक्की होगी। अंबाले का नाम तो बड़ा ही बड़ा, अंबाले का दर्जा बड़ा, अंबाले का स्टेटस बड़ा कि अंबाला में एयरपोर्ट है, लेकिन सारे क्षेत्र में आज इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री लगानी है, अगर उसको चाहिए सस्ती जमीन, गुड़गांव में सस्ती जमीन नहीं है, उसको ऐसी जगह चाहिए जहां मेरी इंडस्ट्री भी लग जाए और एयर कनेक्टिविटी भी हो। मैं बॉम्बे से सवेरे चलूं और शाम को मैं सारा दिन काम करूं और काम करके रात को मैं घर पहुंचूं। उठान स्कीम के तहत अंबाला का ये घरेलू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट बनने के बाद एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, क्योंकि प्रदेश में पहले ही हिसार एयरपोर्ट का काम जोरों शोरों से जारी है।
अंबाला से रवि चंदेल और नरेश सैनी की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।